हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल जगदीश राव एग्जाम क्रैकर। तो आज हम जो करेंगे वो ज्योमेट्री होगा, जे पार्ट सेकंड होगा। ठीक है, तो अगर हम रिकैप करें, पिछले जो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था वो ज्योमेट्री के रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरे पास जो पास्टुलेट और जो एक्सियोम होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी थोड़ी सी ज्योमेट्री। हम पार्ट सेकेंड करेंगे, जिसमें हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हम पढ़ेंगे आज लाइन पढ़ेंगे और एंगल पढ़ेंगे। जी हम आज वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको ज्योमेट्री, मेरे पास होती क्या है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होती है, ऑल अबाउट लाइंस, ऑल अबाउट, अगर हम लाइंस के बारे में पढ़ते हैं है ना, उनकी शेप, साइज बोलूँ अगर मैं है ना, साइज बोलूँ मैं, अगर उनका जो इंटररिलेशन है जो उनके बीच, ठीक है, अगर मैं बोलूँ रिलेटिव, उनका रिलेटिव शेप शेप के बारे में पढ़ना, ठीक है ना, ये सब क्या है मेरे पास, ज्योमेट्री रहती है। ठीक है, तो ज्योमेट्री की जो बेसिक जो मेरे पास, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ज्योमेट्री को, तो मेरे पास दो प्रकार की ज्योमेट्री रहती है। अगर मैं बोलूँ, एक मेरे पास प्लेन है, प्लेन ज्योमेट्री है, ठीक है, एक मेरे पास साइलड ज्योमेट्री हो जाएगी, साइलड ज्योमेट्री। ठीक है, देखो प्लेन ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लेन ज्योमेट्री जैसे 2D फील्ड, मतलब कि ऐसी ऐसी पिक्चर जो हम एक प्लेन फिगर में अच्छी तरह से ड्रा कर सकते हैं, हम पेपर में उसको ड्रा करें, ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना, एक सर्कल हो गया मेरे पास, लाइन हो गई, तो जी मेरे पास क्या है, प्लेन ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री क्या है, जो 3D वाली जो फिगर रहती है, जिनको मैं आसानी से प्लेन फिगर पर ड्रा ना कर सकूँ। ठीक है ना, अगर मैं बोलूँ मेरे पास क्यूब हो गया है ना, स्फेयर हो गया, ये सारा मेरे पास क्या है, सॉलिड ज्योमेट्री है। देखो अगर मैं क्यूब की शेप ड्रा करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी ना, जैसे मेरा अर्थ है, सेम सॉरी स्फीयर की बोल रहा हूँ मैं, और क्यूब क्यूब मेरे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, है ना, हो गया ना, ये बिल्कुल 3D फील्ड होगी ना। 3D का क्या मतलब है, मैं आपको 2D और 3D के बारे में बताता हूँ। देखो 2D का मतलब हो गया जहाँ पे दो लाइनें मिलती हो, मतलब दो लाइनें, ये देखो अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रा करूँ तो इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट कितने हैं इसके, एक्स और वाई है सिर्फ, एक्स और वाई है ना, तो 2D हो गई। 3D का क्या मतलब है, अगर आप इस फिगर को गौर से देखो, अच्छी तरह से ड्रा करता हूँ इसको, अगर मैं क्यूब लूँ, ठीक है, एक मैं क्यूब ड्रा करूँ, क्यूब इस तरह से होता है ना, साइडेज इसकी बराबर होती है, ये ताकि क्यूबॉइड बन गया, तो देखो अगर मैं इस पॉइंट में देखूँ तो कितने, देखो एक दो और तीन, जहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है ना एक्स वाई जेड, तो जहाँ पे तीन लाइनें मिल रही है एक ही जगह पे, इन्हें हम कहते हैं 3D फिगर। क्या होती है, 3D फिगर। इसमें मेरे पास प्रिज्म आता है, तो ये क्या है मेरे पास, साइलेंट ज्योमेट्री एंड प्लेन ज्योमेट्री। आपको ये आई होप आपको ये समझ आ गई होगी ज्योमेट्री की, कि ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, और ये 2D और 3D के बारे में पता चल गया होगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेरे पास पॉइंट, देखो कोई भी चीज़ जब बनती है तो पॉइंट से ही बनती है। देखो एक डॉट, अगर मैं डॉट की वाली इसके बारे में आपको बताऊं, एक पॉइंट के बारे में, तो मैं इसका डॉट जो पॉइंट की क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी, इसकी ना लेंथ होती है, लेंथ नहीं होती है इसकी, ना इसकी ब्रेथ होती है, ना इसकी हाइट होती है, ठीक है, ये सारा इसमें एबसेंट रहता है। देखो अगर ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होती इसमें है? ये सब, तो इसके लिए मेरे पास एक्सियम एक्सियम है और मेरे पास पास्टुलेट है, ठीक है, तो वो तभी दिए थे, ठीक है, यूक्लिड ने, ताकि कोई ये ना बोल सके कि भाई एक पॉइंट पॉइंट क्यों होता है, एक लेंथ लेंथ क्यों होती है, तो इन सब के बारे में जो हमारे पास जो आंसर नहीं थे, तो उसे हम यूक्लिड ने एक्सियम और पॉस्टुलेट में ड्रा कर दिए थे, तो पॉइंट हो गया। तीसरा अगर मैं बोलूँ आपके पास अगर लाइन, ठीक है, लाइन क्या होती है, देखो जब मैं लाइन बोलूँगा, अगर मैं लाइन बोलता हूँ तो सिंपली लाइन का मतलब है एक ऐसी लाइन जो इनडेफिनेटली एक्सटेंड करे, लाइन का कोई एंड नहीं होता, याद रखना लाइन का कोई एंड नहीं होता, ये जहां भी जा सकती है और जहां भी जा सकती है, ठीक है, ये लाइन है, लाइन होगी। उसके बाद अगर मैं बोलूँ लाइन सेगमेंट, क्या बोलूँ, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, देखो अगर मैं कोई भी दो डॉट लगाता हूँ, दो पॉइंट, और उनको मिला दूँ तो मैं उनको बोलूँगा लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, इसका एक डेफिनेट, इसकी एक क्या होती है, लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है, आपको याद रखना लाइन की हमेशा लेंथ होती है, ठीक है, सिर्फ इसकी एक लेंथ होती है, इसकी ना ब्रेथ होती है ना हाइट होती है, ठीक है, लाइन की, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक
ठीक है, इन दोनों के बीच में एक डेफिनेट क्या होगा, डिस्टेंस होगा, क्या होगा मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस होगा, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में। अगर मैं लाइन सेगमेंट के बाद बात करूँ रे की, क्या रे की, देखो रे क्या है, वो कह रहा है कि अगर मैं एक पॉइंट को फिक्स करूँ, वन पॉइंट को फिक्स करूँ, एक पॉइंट मेरा ये फिक्स पॉइंट है, क्या है मेरा, फिक्स पॉइंट है मेरा, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, ठीक है, एक पॉइंट को मैं एक्सटेंड करता जाऊँ तो ये क्या रे है, एक पॉइंट इसमें फिक्स होगा, सेकंड पॉइंट इनडेफिनेटली ये क्या करेगा, वो करेगा एक्सटेंड करेगा। देखो एग्जाम में आपको जी सब आ सकता है कि बताओ भाई ऐसी कौन सी, इनमें से कौन सी फिगर है लाइन और दे देंगे कि जिनके बीच में एक डेफिनेट डिस्टेंस होता है, तो आप क्या बोलोगे, लाइन सेगमेंट के बीच में, लाइन में तो होगा ही नहीं क्योंकि ये हमेशा ये एक्सटेंड करती रहेगी, ठीक है। तो रे में हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, जी सब हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में, ताकि आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज हो, ठीक है, तो जी आप लोगों को पता होना चाहिए लाइन लाइन सेगमेंट क्या रहती है, मेरे पास रे क्या रहती है, ठीक है। देखो अगर मैं लाइन के बारे में बोलूं, लाइन लाइन के बारे में बोलूं, और हमारे पास कितने प्रकार की लाइन हो सकती है, देखो सबसे पहले अब मैं बोलूं मेरे पास एक पैरेलल लाइन रहती है, क्या रहती है, पैरेलल लाइन होती है मेरे पास, क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन का क्या मतलब है, ऐसी दो लाइंस जिन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे, इन दोनों के बीच में क्या रहे, डिस्टेंस सेम, यहाँ पे क्या रहे, ये अगर ए है तो ये भी ए रहेगा, ठीक है, जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में सेम रहे। सिंपली अगर बोलूँ, अगर मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, कि ये दोनों बाइसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को जो काटती नहीं है, बोलूँ तो इंटरसेक्ट नहीं करती, बाइसेक्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, ये दोनों को काटती नहीं है, मतलब कि ये दोनों कभी नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल ऐसे चलती रहेगी। अगर मैं मेरे ये देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा वाइट बोर्ड का, ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, ये होगी पैरेलल लाइन। अगर मैं दूसरी लाइन बोलूँ तो हम उनको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या बोलोगे, बाइसेक्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये क्या रहती है मेरे पास, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करे, ठीक है ना, ये क्रॉस कर गई ना एक दूसरे को लाइन, तो इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। थर्ड मेरे पास अगर मैं बोलूँ कॉन्कुरेंट लाइन, क्या, कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंट लाइन, कॉन्कुरेंट लाइन, ये क्या रहती है, अगर मेरे पास एक पॉइंट है तो वहां से ढेर सारी लाइनें एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रही हो, ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, कॉन्कुरेंट लाइन है, क्या है, कॉन्कुरेंट, कि एक फिक्स पॉइंट होगा, एक पॉइंट से ढेर सारी, दो से ज्यादा जब लाइन क्रॉस करे तो उन्हें कैसे कहते हैं, कॉन्कुरेंट लाइन, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट देखो, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ ए बी वेक्टर वगैरह वगैरह, है ना, ए बी डैश पढ़ा होगा आप लोगों ने, आप लोग ऐसे भी पढ़ा हुआ, इसका मतलब क्या है, वेक्टर क्या है, देखो इसकी डायरेक्शन होती है ना, देखो मतलब रे है, ये क्या डेजिग्नेट करता है, रे, और ये क्या करता है, एक लाइन है ए बी, ये लाइन है, और ये क्या करता है, सेगमेंट, जिसके बीच में डिफरेंट ये इसके बीच में डिस्टेंस होगा, तो ये भी आपको याद रखना है कि हम ऐसा तभी हम कहते हैं वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना, कहते हैं ना इसकी सेगमेंट भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, जो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी मुझे फिलहाल याद नहीं इतनी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया मेरे पास लाइन। अब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करते हैं हम लोग, देखो और मैं एक बात दूं, चलो उसको बाद में जाता हूँ, अगर मैं बोलूँ अब हम पढ़ेंगे एंगल, एंगल क्या है मेरे पास, एंगल क्या है मेरे पास, जब भी दो लाइंस है ना, दो लाइंस जहाँ पे जुड़ती हैं तो वहाँ पे हम क्या बनता है, एंगल फॉर्म होता है। अगर ये एक लाइन है ना, और ये एक लाइन है, दोनों जहाँ पे ये जाके टकराएगी, जहाँ पे एक एंगल बनेगा, क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है ना, इसको मैं ए रखूँ, इसको मैं बी रखूँ, उसको मैं सी रखूँ, तो ये एंगल होगा, ठीक है ना, जहाँ पे ये देखो इसको हम कहते हैं इनिशियल, इनिशियल लाइन होती है, और ये फाइनल लाइन होती है, क्या होती है, टर्मिनल, इसको बोलेंगे हम टर्मिनल लाइन, क्या बोलेंगे, टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन, टर्मिनल, ठीक है, लाइन होती है, ठीक है, ये जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ पे जाके खत्म होती है, तो इसे हम कहते हैं एंगल, ठीक है, ये होता है मेरे पास एंगल। अब अगर मैं एंगल की टाइप्स बताऊँ आपको, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े अगर हम, टाइप्स ऑफ एंगल, क्या, टाइप्स ऑफ एंगल जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, टाइप्स ऑफ एंगल में देखो दोस्तों, जो पहला मेरे पास आता है एक्यूट एंगल, क्या आता है, एक्यूट एंगल, देखो एक्यूट एंगल क्या है, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक्यूट एंगल क्या है, सिंपली अगर मैं बोलूँ जहाँ पे क्या रहता है मेरे पास, जो थीटा एंगल, जो थीटा है वो क्या रहता है, थीटा हमेशा क्या रहता है,
लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, थीटा 90 डिग्री से लेस रहेगा। अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास एंगल है जो कि 60 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 30 बना रहा है ना, 45 बना रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक्यूट एंगल है। अगर मैं ऐसे का ट्राइंगल ड्रा कर दूँ तो जहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, एक्यूट एंगल ही होगा ना, ये एक्यूट एंगल ही बनेगा, याद रखना। अच्छा जी, आपको पता चल गया एक्यूट एंगल क्या होता है। सेकेंड मेरे पास आता है जब, तो राइट एंगल आता है, क्या आता है, राइट एंगल। दोस्तों साथ साथ में नोट्स बनाते रहो जी, आपको जूट में, JUET, जूट मतलब कि जम्मू यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, जहाँ भी बाकी वाले इंटरेस्ट है वहाँ भी आपको ये काम आएगा। तो जो भी जम्मू से जो भी स्टूडेंट हैं वो इस लेक्चर को नोट कर लो, सारे जितने मैंने करवाए हुए आपको, एटलीस्ट आप लोग कुछ तो स्कोर कर पाओगे जूट में। तो राइट एंगल क्या रहता है मेरे पास, 90 डिग्री, जिसका एग्जैक्टली जो 90 डिग्री हो, क्या हो राइट एंगल, क्या होता है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास एक्यूट एंगल। तो राइट, अगर मैं ये देखो 90 डिग्री, यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री, जो कि राइट एंगल होता है, ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूँ राइट एंगल, जो कि थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा हमेशा 90 डिग्री रहता है, ठीक है, 90 से ज़्यादा भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ 90 डिग्री होना चाहिए। सेकंड वाले की मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास रहता है ऑब्ट्यूस एंगल, क्या रहता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, सिंपली ये देखो इस तरह से बनता है ऑब्ट्यूस एंगल। और थीटा क्या है, यहाँ पे 110 है ना, 120 है, तो ये क्या है मेरे पास ऑब्ट्यूस एंगल, क्या है ऑब्ट्यूस एंगल है। इसमें क्या रहता है, मेरे पास कंडीशन क्या रहती है, मेरे पास थीटा जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री तो होगा, लेकिन वो थीटा क्या रहेगा, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। इसको मैथमेटिक्स के टर्म में कैसे लिखते हैं, थीटा तो जब यहाँ लिखेंगे, थीटा क्या रहेगा हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और आपको पता होगा थीटा क्या रहेगा हमेशा लेस देन 180 डिग्री, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर था 11th या 12th में, जिसमें आप लोग सेट पढ़ते थे, तो वहाँ पे शायद ये ऐसा इस्तेमाल होता था, ठीक है। ये आ गया मेरे पास ऑब्ट्यूस एंगल। अब मैं जो थर्ड वन मेरे पास रहता है ऑब्ट्यूस के बाद क्या रहता है मेरे पास, अगर मैं बोलूँ स्ट्रेट एंगल, क्या बोलूँ, स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या रहता है मेरे पास, स्ट्रेट एंगल जो रहता है मेरे पास वो क्या रहता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब है बिल्कुल एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो जहाँ पे जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं 180 डिग्री। तो देखो इस लाइन पे जहाँ भी ये एंगल बनेगा ना, ये हमेशा क्या रहेगा, 180 डिग्री, आप लोगों को, ठीक है ना। टोटल कितना रहता है, 360 रहता है ना, टोटल 360, और लाइन को कट कर दूँ तो ये 180 और ये 180, ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रेट एंगल। इसे हम लीनियर पेयर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम लीनियर पेयर भी कहते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज, अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास आता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, क्या रहता है, रिफ्लेक्स एंगल। देखो रिफ्लेक्स का मतलब क्या है ना, इसको देखो रिफ्लेक्स क्या है, ये वाला एंगल, बाहर वाला जी एंगल, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। मतलब कि इसमें थीटा क्या रहेगा हमेशा, इसमें थीटा रहेगा ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। 180 से जब ये ग्रेटर हो जाएगा तो तब ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, और थीटा यहाँ पर क्या होगा, लेस देन क्या रहेगा, लेस देन 360 डिग्री, ओके। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसके हम, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, जहाँ पे थीटा क्या रहेगा, 180 और 360 डिग्री के बीच में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज, फिफ्थ वन इज कंप्लीट एंगल, क्या रहेगा मेरे पास, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल देखो, कंप्लीट एंगल क्या है, जब थीटा बिल्कुल क्या रहेगा, थीटा क्या रहेगा, 360 डिग्री, मतलब कि जहां से लेकर जहां तक जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा मेरे पास, कंप्लीट एंगल रहेगा, कंप्लीट मतलब 360, पूरा एंगल जो होगा वो होगा 360 डिग्री। अगर नेक्स्ट वन मेरे पास आता है सिक्स टाइप, क्या रहती है मेरे पास आता है कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। देखो कंप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब है, ये देखो, अगर जी मेरे पास एंगल है, अगर जी इसको ड्यू, ठीक है, जी मेरे पास एक लाइन जा रही है जो कि इसको डिवाइड तो नहीं करेगी, उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। तो अगर जी देखो, जी अगर थीटा है 1 है, तो जी अगर थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा, 90 डिग्री,
मतलब कि जब दो एंगलों का सम जब 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या रहता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। जरूरी नहीं है कि इसी केस में, जहां भी अगर दो एंगल होंगे उनका सम 90 डिग्री होगा तो वहां पे कंप्लीमेंट्री एंगल वो होगा। सेवन अगर मैं करूँ तो मेरे पास आता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब है? एस है ना, याद रखना, एस मतलब 8। जी, क्योंकि कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में वो रहता है, कंफ्यूजन रहता है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। क्या होगा? थीटा तो रहेगा थीटा वन, थीटा टू, मैं इसको नाम देता हूँ। यहाँ पे थीटा वन प्लस थीटा टू क्या रहेगा? 180 डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है लाइन और एंगल के लिए। जो बहुत ही लंबी वीडियो हुई है, आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो आप लोग NCERT पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग मुझे फेसबुक पर मिल सकते हो, फेसबुक पर सर्च करो जगदीश राज एग्ज़ाम क्रैकर, जगदीश राज एग्ज़ाम क्रैकर। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे ज्वाइन करो, कैसे भेजो, मैं आपको सेव कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।